Welcome to Alan. Alan is here to guide you on your special journey. Whether you're in class six to tenth or preparing for exams like NEET and JEE, Alan is your expert companion. Our online programs are designed just for you, with excellent teachers, study materials, and support for both students and parents. We use advanced technology to make learning enjoyable. Have questions? No worries. Alan assists you with doubts on the app and in live classes too. You can talk to teachers, ask questions, and understand every concept easily. Imagine having your own quizzes to practice any topic you want. We also have a special place to show you all your mistakes so you can practice and avoid them in the exam. And guess what? We'll help you create a study plan. Our experienced teachers will guide you and you can join group sessions to learn how to manage your time better. It'll help you with homework, revision, and catching up on anything you've missed. So, students and parents, are you excited for this amazing journey with Alan? हेलो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुडे सेशन ये है हमारा बायोफेस्ट और आज है हमारा डे 19 जहां पे हम कंटिन्यू रखने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पार्ट टू जिसमें वो सेक्शन पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एन के सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है नीट एग्जामिनेशन के लिए दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मॉर्फोलॉजी एनाटमी ऑफ एन इंसेक्ट एंड ऑफ अ फ्रॉग तो दोनों सेक्शन हम आज ही कवर करेंगे स्टार्ट करते हैं डे 19 ऑफ बायोफेस्ट फॉर नीट 2024. हेलो वेलकम एक बार सबके नाम ले लेती हूँ मैं जो एंटर कर चुके हैं क्लास में नव्या सौम्या जितना पॉसिबल है उन सबके ऑलमोस्ट आस्था शशि दिलीप अनु सनराइज भी है कोई आशीष गौतम श्रेया शशि अजीज विमलेश आकृति राज रॉय ओके सो हेलो वेलकम टू एवरीवन राधे राधे जय श्री कृष्णा स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पार्ट टू इसमें हम इंसेक्ट्स के अंदर में पढ़ेंगे कॉकरोच और उसके बाद वाले सेशन में हम ले लेंगे फ्रॉग कॉकरोच यानी कि इसका पहले तो हम एक जुलॉजिकल नॉमिन के हिसाब से अगर देखें तो आप सबको ये नाम पता ही होगा पेरी प्लानिटा नाम इसको दिया गया है इसके जीनस का नाम है पेरी प्लानिटा राइट और बिलोंग करता है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा को आर्थरोपोडा के अंदर भी क्लास के बारे में अगर हम बात करें सो इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा दैट यू ऑल नो राइट दिलीप अनु अनुष्का प्रियांशु जीनत पिंटू हेलो एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस बिल्कुल पैरी प्लानिटा अमेरिकाना पूरा नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा है और क्लास है इंसेक्टा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा बिल्कुल कॉकरोच के बारे में भी पढ़ना है सौम्या ओके सो ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल है पर जरूरी नहीं है कि ऐसा ही कलर हो कुछ ऐसे ट्रॉपिकल रीजन में आपको ब्राइट येलो रेड और ग्रीन कलर के कॉकरोच भी देखने को मिल सकते हैं इसके अलावा ये एक नॉकटर्नल एज वेल एज ओमनीवोरस एनिमल है नॉकटर्नल रात में ही आप देखते होंगे घर में भी हमारे घर में रहने वाला एक बहुत आसानी से दिखने वाला है इंसेक्ट विच इज नॉक्टर्नल एंड ओमनी वोरस वेर एज इट इज एक्टिंग एज वेरी हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट की तरह एक्ट कर सकता है और ये काफ कुछ डिजीजेस के लिए वैक्टर की तरह भी एक्ट करता है यानी कैरियर ऑफ द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पैथोजन के लिए कैरियर की तरह फॉर्म में यूज हो सकता है एज अ वैक्टर स्पेशली केस पोलियो का मेंशन कर सकते हैं हम यहाँ पे राइट right? ओके okay. इसके बारे में डिटेल में स्टार्ट करें आप ऑल सेट ऑल रेडी गुड टू गो विद्लास ओके पैरी प्लानिटा अमेरिका ना पहले साइज देख लेते हैं 34 फोर टू फिफ्टी थ्री मिलीमीटर्स इसका मैंशन किया हुआ है और एक और जगह पे इसके बारे में किया हुआ है डेट बॉडी इज डिवाइडेड इन टू थ्री रीजन विच इज हेड दिस इज हेड पार्ट जो 90 डिग्रीज पे एंगल पे प्रेजेंट है इसके पीछे की तरफ प्रेजेंट है थॉरिक्स पार्ट एंड द एंड पार्ट इज नोन एज एपडोम तो ये तीन सेक्शन में डिवाइडेड है इसकी बॉडी और एन सी आर टी में इसकी साइज का मैंशनिंग कुछ इस तरह से है जहाँ मिलीमीटर्स में थर्टी फोर तो टू फिफ्टी थ्री मिलीमीटर्स भी बताया हुआ है एज वेल एज साइज वन बाई फोर इंचज टू थ्री इंचज यानी कि सेंटीमीटर में भी कुछ इस तरह से मैंशन किया हुआ है तो अलग अलग कुछ वैल्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी जिस भी फॉर्मेट में दिया हुआ हो मिलीमीटर सेंटीमीटर इंचेस उस हिसाब से आपको कुछ चीजें यहाँ पे याद रखनी पड़ सकती हैं इसके अलावा इसकी बॉडी में आपको नजर आ रहे होंगे लॉन्ग एंटीना फिलीफॉर्म एंटीने जो कि सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं घर में देखा होगा कई बार कॉकरोचेस को सबने ऑब्जर्व किया होगा ये एंटीना इलाके सेंसेशन कैप्चर करते हैं और इसके अलावा बिकॉज ये फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है आर्थ्रो और पौडा आर्थ्रो वर्ड मतलब ज्वाइंटेड पौडा मतलब लेग्स तो ज्वाइंटेड लेग्स का होना तो बनता ही है थ्री पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स आर देयर क्लियर इसके अलावा आपको यहाँ पे विंग्स नजर आ रहे होंगे जो कि इसकी बॉडी को कवर कर रहे हैं इसके पास टू पेयर ऑफ विंग्स होते हैं पर दोनों विंग्स उड़ने में काम नहीं आते ओनली द हाइंड विंग्स हेल्प इन फ्लाइट ठीक है, फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल आपको दिखाई दे रहा होगा पूरी बॉडी की तरफ as well as नीचे की तरफ यानी कि मैं बोलूं और कवर्ड होती है से है इसकी बॉडी पे जो कि कुछ फीचर्स हैं जो आप एनिमल किंगडम में फाइलम आर्थ्रोपोडा में भी पढ़ चुके होंगे पढ़ा हुआ है अभी एनिमल किंगडम खत्म हुआ है राइट ओके मॉर्फोलॉजी अगर हम इसकी देखें सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एनसीईआरटी के ही डायग्राम्स यहां पे लिए हैं मैंने हेड दिस 90 डिग्रीज पे एंगल्ड है ये हमेशा बॉडी से थॉरिक्स पार्ट है जो कि यहां से इतना पार्ट दिस इज थॉरिक्स पार्ट और इसके नीचे का पीछे वाला सेक्शन जो है ये है एब्डोमेन सेक्शन ठीक है सो हेड थॉरिक्स एंड एपडोम टू पेयर ऑफ विंग्स यहाँ पे एक फोल्ड करके ऊपर ही बॉडी पे दिखाए हुए हैं कुछ विंग्स को यहाँ पे खोल के राइट right साइड में दिखाया हुआ है फर्स्ट, फर्स्ट यानी कि फोर विंग को बताया गया है नाम है उसका टेगमिना फोर विंग भी कह सकते हैं हाइंड विंग जो पीछे वाला विंग है यही फ्लाइट में यानी कि इसको फ्लाई करने में हेल्प करता है टेगमिना इसको फ्लाई करने में हेल्प नहीं करता वो सिर्फ ओपेक फीचर है जो कि कवर करेगा प्रोटेक्शन का, का काम करेगा हाइंड विंग्स के लिए इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ सेक्शन जो देख सकते हैं लेबलिंग में वो है फिलीफॉर्म ऑर्गन की तरह काम करता है इट हैज कंपाउंड आइज और इसपे क्वेश्चन आया हुआ भी है कंपाउंड आइज मोजैक विजन सब ने कुछ एक साउथ इंडियन मूवी एक मक्खी देखी होगी जिसमें बहुत सारे बहुत सारे लेंसेज होते हैं टू थाउजेंड ओमेटिडिया मिल के लेंस जो मिलके वो एक इमेज कैप्चर करने में एक इमेज का फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करते हैं जस्ट लाइक जिक्स पजल जो आप ऐड करके जिक्सआ पजल सॉल्व करते हैं वैसा ही कुछ फिनोमिना होता है सो ओमेटीडिया टू थाउजेंड हेक्सागोनल बॉक्सेज जो कि मोजैक विजन में हेल्प करते हैं ये है इसके पास कंपाउंड आई ठीक है फिर है प्रो जो कि कवर कर रहा है प्रोथोरिक्स फिर है मीजोथॉरिक्स पार्ट और मेटाथॉरिक्स सो थॉरिक्स को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है प्रो मीजो एंड मेटा मीजोथोरिक्स प्रोथोरिक्स एंड मेटाथोरिक्स के बाद यहाँ पे आप लेग्स की लेबलिंग देख सकते हैं प्रोथोरेसिक लेग मीजोथोरेक्सिक लेग एंड मेटाथोरेक्सिक लेग यानी कि थोरिक्स पार्ट से निकल रहे हैं पेयर्ड अपेंडेजेस जॉइंटेड लेग्स क्लियर इसके अलावा आपको एब्डोमेन के पीछे की तरफ यानी कि पोस्टीरियर सेक्शन में नजर आएंगे एनल सरकाई एंड एनल स्टाइल

तो आपको यहां पे 90 डिग्री पे प्रेजेंट हेड थॉरिक्स और एबडोम की लेबलिंग दिखाई हुई है इसके अलावा यहां पे आपको पेयर्ड जॉइंटेड लेग्स नजर आ रहे होंगे थ्री पेयर प्रोथोरेसिक लेग मीजोथोरैसिक लेग एंड मेटाथोरेसिक लेग इसके अलावा आपको यहां पे नजर आएंगे एनल स्टाइल विच इज ऑब्जर्वड ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ मेल कॉकरोच सिर्फ मेल कॉकरोच में ऑब्जर्वेबल है एनल स्टाइल इज एबसेंट इन केस ऑफ फीमेल कॉकरोचेस ये क्वेश्चन आया हुआ भी है हाँ एनल सरकाय या कॉर्डल सरकाय भी इसे बोल सकते हैं ये दोनों ही जेंडर्स में मिलेगा यानी कि मेल और फीमेल कॉकरोच दोनों में आपको एनल सरकाय देखने को मिलेगा अगेन इट इज हेल्पिंग इन सेंसेशन सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है अब ये जो पूरी बॉडी है इसकी ये कवर्ड है एक्सोस्केलेटन से जिसको हमने कहा काइटन के बने हुए एक्सोस्केलेटन के प्लेट्स हैं हार्ड एक्सोस्केलेटन प्लेट्स टुगेदर इनको हम कहते हैं स्क्लेराइट्स, बट अब बात करेंगे हम इस डॉर्सल सरफेस की और यह एस्पेक्ट, दोनों ही तरफ पे कवर कर रही हैं ये स्क्लेराइट्स पर अब इनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं डॉर्सल साइड पे जो प्रेजेंट स्क्लेराइट्स हैं उनको नाम दे दिया गया है टर्गाइट और जो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है उनको नाम दे दिया गया है स्टर्नाइट टर्गाइट डोरसल वाला एंड स्टर्नाइट वेंटल स्क्राइड्स को नाम दिया गया है टोटैलिटी में इसे स्क्राइड्स कहा जाता है इसके अलावा ऐसा नहीं कि लेटरल सर्फेस पे कवर नहीं करता काइटिन काइटिन लेटरल सर्फेसिस पे भी एक्जो की फॉर्म में प्रेजेंट है इसे तब प्लूराइट कहा जाता है तो टर्गाइट स्टर्नाइट और प्लूराइट इसको चारों तरफ से एग्जोस्केलेटन के एग्ज uh, काइटिन के बने हुए एग्जोस्केलेटन ने कवर किया हुआ है अब ये प्लेट्स आपस में कनेक्टेड भी हैं आपस में किस तरह से कनेक्टेड है अगेन ये पी वाई क्यू में आया हुआ क्वेश्चन है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से ये जॉइंटेड सारे के सारे काइटिनस इज दिस पॉइंट क्लियर मैंने आपको पढ़ाया है एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना हुआ है डॉर्सल साइड वेंट्रल साइड लेट्रल साइड सब तरफ से कवर्ड है डॉर्सल साइड टर्गाइड वेंट्रल साइड लेट्रल साइड प्लूराइट और ये कवर्ड है फिर मेम्ब्रेन से जॉइंटेड है जिसको हम कह रहे हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन विच इज थिन एंड थ्लेक्सीबल सो ऐसा ये क्वेश्चन है द टर्गा स्टर्ना एंड प्लूरा डॉर्सल साइड स्टर्ना और प्लूरा ऑफ कॉकर बाय ऑप्शन वन मस्कुलर टिश्यू ऑप्शन टू आर थ्रोडियल मैमब्रेन ऑप्शन थ्री कार्टिलेज या फिर ऑप्शन फोर सीमेंटिंग ग्लू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्विक आंसर्स। अभी जस्ट पढ़ाया हुआ जो प्लेट्स थी एक्सोस्केलेटन पार्ट दे आर बाय आंसर ऑप्शन आर्थ्रोडियल टू ओके अब आ जाते हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं अगेन लिमिटेड टू एनसीआर हेड एंड नेक अगर रीजन की हम बात करें तो हेड एक ट्राइंगुलर शेप का बॉडी पार्ट है जो कि 90 डिग्रीज पे या फिर राइट right एंगल पे प्रेजेंट है एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ ऑब्वियसलीड रीजन है आगे की तरफ टू द लॉन्गिट्यूडल एक्सेस लॉन्गिट्यूडल एक्सेस से नाइनटी डिग्री पे प्रेजेंट है इसका हेड हेड इज फॉर्मड बाई फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट से बनता हैड और ये अटैच है एक फ्लेक्सीबल नेक की वजह से उस बॉडी पार्ट से यह एक फ्लेक्सीबल नेक के मदद से अटैच है जिसको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं और ये वो डायग्राम है जो एनसीआर में दिया हुआ है जहाँ पे कुछ लेबलिंग्स भी इसके साथ में दी हुई जहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाउंड आई ऑसिलस भी बताया हुआ है। सिंपल को नाम दिया जाता है सिंपल so, eye, this, eye, this, इसके अलावा आप यहाँ पे मैग्जिलाइड में कवर किया है यह हैड रीजन ऑफ कॉक्रोच और इस हेड रीजन में जो आप सेगमेंट्स देख रहे थे वो थे माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोचेस अब यहाँ पे कुछ पेयर्ड है कुछ अनपेयर्ड रीजन हैं इनको देख लेते हैं पेयर्ड आपको नजर आ रहा होगा मैंडिबल अ पेयर ऑफ मैंडिबल एंड अ पेयर ऑफ मैगजुला इज देर ठीक है अ पेयर ऑफ अ पेयर ऑफ मैंडिबल इन द माउथ पार्ट इसके अलावा प्रेजेंट है यहाँ पे अपर लिप लेब्रम लोअर लिप लेबियम और इन सब के बीच की जो कैविटी है खाली जगह कैविटी यहाँ पे भी एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसको हम कहेंगे हाइपो अब इन टोटालिटी ये सब काम क्या कर रहे हैं ग्राइंडिंग ऑफ फूड मैंडेबल मैग्जिला ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करेंगे और फिर यहाँ से फूड अंडर की तरफ जाएगा जो हम कवर करेंगे आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में ठीक है सो इंटीरियर पार्ट ऑफ हेड हैज अपेंडिजेस जो इसको बनाते हैं बाइटिंग एंड चुइंग टाइप ऑफ माउथ

इसको हमने नाम भी दिया था फोर विंग एंड हाइंड विंग और मैंने पहले भी बताया है दोबारा रिपीट कर रही हूँ हाइंड विंग ओनली हेल्प्स इन फ्लाइंग ठीक है फोर विंग डज नॉट हेल्प इन फ्लाइंग फर्स्ट पेयर को हम मीजोथोरेसिक विंग कहते हैं जो कि ओपेक एंड डार्क लेदरी स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट पेयर मीजोथोरैक्स रीजन में प्रेजेंट है ये कवर करने का काम करेगा प्रोटेक्शन देने का काम करेगा इस हाइंड विंग को सेकेंड पेयर ऑफ विंग जो है वो मेटाथॉरिक रीजन में प्रेजेंट है ये ट्रांसपेरेंट है हल्का फुल्का है है मेम्ब्रेनस और यही वो पेयर है जो कि फ्लाइट में हेल्प करता है सो यू कैन रिमेंबर दैट टेगमिना डज नॉट हेल्प इन फ्लाइंग क्लियर टेगमिना डज नॉट हेल्प इन फ्लाइंग सो टेगमीना इन कॉक्रोचेज अराइजेस फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द थॉरिक्स दिस इज द क्वेश्चन बिल्कुल नीट सिलेबस में है कॉकरोच खुशी वहां पे लिखा हुआ है इट इंक्लूड आपने शायद नहीं देखा है इसलिए आप मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कॉकरोच और फ्रॉग दोनों सिलेबस का पार्ट है इज प्रेजेंट इन द मीजो रीजन विच इज ऑप्शन नंबर वन ओके सो देर आर करेक्ट आंसर्स फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी वन जिसके भी नाम अभी मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं चैट बॉक्स में ओके नेक्स्ट हेड पार्ट कवर कर दिया थॉर पार्ट कवर कर दिया नेक्स्ट आ जाते हैं एबडोम सेक्शन में और एबडोम इन बोथ मेल्स एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ टेन सेगमेंट्स ये डिवाइडेड है टेन सेगमेंट्स के अंदर ठीक है मेल्स बेयर अ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच इज़ एबसेंट इन केस ऑफ फीमेल्स ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एबडोमन में पोस्टीरियर सेक्शन में जो एनल स्टाइल होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेल कॉकरोच में देखने को मिलेगा हालांकि एक और चीज़ मैंने वहाँ पे जो बताई थी कॉर्डल सरकाय या एनल सरकाय ये दोनों ही मेल एज वेल एज फीमेल कॉक्रोच दोनों में देखने को मिलेगी टेंथ सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट ऑफ एबडोमन से अटैच्ड है अब इसके लिए मैंशन कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान से सुनिएगा अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ये तो ये भी जॉइंटेड जैसे लेग्स के लिए बोला जाता है ना जॉइंटेड लेग्स वैसे ही ये भी एनल सरकाय भी जो अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो कि टेंथ सेगमेंट के साथ अटैच है क्लियर नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच की बात करेंगे जैसे कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड हुआ करता था हमारे सिलेबस में तब हम बताते थे फोरगट मिडगट और हाइनगट इन केस ऑफ ह्यूमन सिमिलरली कुछ ऐसा ही साउंड करेगा आपको यहां पे भी एलिमेंट्री ऑफ कैनाल एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू फोरगट मिडगट एंड हाइनगट फोरगट इज फर्दर कैटेगराइज इन टू फ्यू सेक्शन डायग्राम भी लेके आऊंगी इसके बाद वाली स्लाइड में फोरगट पहले गट पार्ट का फर्स्ट पार्ट प्री ओरल कैविटी यहाँ से फूड इंजेस्ट होगा माउथ पार्ट के थ्रू पहुँचेगा फेरिंग्स के पास फेरिंग से ये एक छोटे से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जाएगा ईसोफेगस जो कि आगे जाके डायलेट हो जाता है यानी कि स्वॉलन स्ट्रक्चर में बदल जाता है और उसे कह दिया जाता है क्रॉप सो so, एक छोटी सी ट्यूब जब आगे जाके डायलेट हो जाती है उसे क्रॉप कहते हैं और क्रॉप का फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड अगैन दिस इज इम्पॉर्टेंट स्टार मार्क कर देते हैं क्रॉप का फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड इसके नेक्स्ट सेक्शन में प्रेजेंट होता है गिजर्ड और गिजर्ड को एक और नाम भी दिया जाता है प्रोवेंट्रिक्यूलस गिजर्ड का फंक्शन है ग्राइंडिंग जी फॉर गिजर्ड जी फॉर ग्राइंडिंग आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं इनफैक्ट गिजर्ड वर्ड आप जहां भी जिस भी और एनिमल में भी एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं जहां जहां इसका फंक्शन पूछा जाए वहां वहां इसका एक ही फंक्शन होता है गिजर्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग सो हियर ऑल्सो द सेम फंक्शन वुड बी देयर ठीक है दिस इज ऑल अबाउट फोरगट फोरगट और मिड गट मिड गट जिसे भी कहते इनके बीच में प्रेजेंट होती है अ रिंग ऑफ सिक्स टू एट ब्लाइंड टिब्यूल्स ब्लाइंड टिब्यूल्स जिनका डेड एंड होता है जो दूसरी तरफ खुली हुई नहीं है ठीक है एक ट्यूब जिसमें दोनों एंड खुले हुए होते हैं टिब्यूल बट एक ऐसा ट्यूब जिसका नेक्स्ट जो एंड पार्ट है वो क्लोज है उसे ब्लाइंड टिब्यूल कहेंगे सो रिंग ऑफ सिक्स टू एट ब्लाइंड आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट इनको नाम दिया गया है हिपैटिक सीका या फिर इसे गैस्ट्रिक सीका भी कह सकते हैं और ये सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस को जो हेल्प करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड में इसके अलावा मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे भी रिंग ऑफ मालफीजियन टिब्यूल्स इज प्रेजेंट है पर इस रिंग में प्रेजेंट है 100 टू 150 फिफ्टी मालफीजियन टिब्यूल्स इनका फंक्शन होता है एक्सक्रीशन से रिलेटेड ये एक्सक्रीट आउट करेंगे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को फ्रॉम द बॉडी ऑफ कॉकरोच एंड प्रेजेंट कहाँ पे है एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट हेल्प इन एक्सक्रीशन हाइंडगट में प्रेजेंट है जैसे इंटरस्टाइन होता है वैसे ही इलियम कोलोन एंड रैक्टम फाइनली यहाँ से जो फूड का इंजेक्शन होगा दैट वुड बी थ्रोन आउट थ्रू द एनस सो एलिमेंट्री कैनाल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं यह है कॉक्रोच का एलिमेंट्री कैनाल जो बाहर निकाल के इस तरह से दिखाया गया है और अगर इसकी एनाटमी देखें तो इसको डिवाइड किया है हमने फोरगट मिड गट मिजेंट्रॉन भी कह सकते हैं और हाइंड गट में बाकी सारी लेबलिंग्स अगर आप देखें तो माउथ से इंजेक्शन होगा फूड का फैरिंग्स से होता हुआ वो पहुंचेगा ईसोफेगस और जैसे कि मैंने बोला था एक छोटा सा ट्यूब जो आगे जाके डायलेट हो गया है स्वॉलन स्ट्रक्चर बना लिया है उसे हम क्रॉप कहते हैं क्रॉप स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है आगे चलेगा फूड गिजर्ड में पहुंचेगा गिजर्ड में ग्राइंडिंग होगा ग्राइंडिंग क्यों होगा इसका एक और स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्लाइड पर लिया है मैंने फिर आगे की तरफ यहाँ पे अब जंक्शन है फोरगट और मिडगट का तो आप देख पा रहे हैं हिपैटिक सी का प्रेजेंट है हिपैटिक सी का सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस फिर आ जाता है मिडगट या फिर मीजेंट्रॉन और यहां से जब फूड आगे की तरफ जाएगा अगेन एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट आर प्रेजेंट मालफीजियन टिब्यूल्स एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे इनका नंबर सिक्स टू एट पेयर्स इनका नंबर हंड्रेड टू वन फिफ्टी पेयर्स आगे की तरफ जो हाइंड गट है उसको फर्दर तीन सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है ईलियम कॉलोन एंड रेक्टम सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉकरोच गिजर्ड के मैं ये मैंने बोला था ये ग्राइंडिंग में हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर की तरफ काइटिन की बनी हुई कुछ स्ट्रक्चर्स हैं काइटिनस प्लेट्स हैं सिक्स जिनको हम टीथ कह सकते हैं और ये ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं जैसे कि मैंडिबल करते हैं सेम एग्जैक्टली वैसा ही कुछ काम गिजर्ड भी करता है इसके अंदर और फोरगर्ट जो बताया मैंने पूरा एलिमेंट्री कैनाल का फोरगर्ट पार्ट ये अंदर की तरफ से क्यूटिकल से कवर्ड होता है सो एंटायर फोरगर्ट इज लाइन बाय क्यूटिकल दिस वाज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सिस्टम ले लेते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच हम पढ़ रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा के एनिमल के बारे में और इसके अंदर क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट है ओपन टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है जहां आप नॉन कॉर्डिनेट्स पढ़ते हैं सबके लिए ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जैसे ही आता है सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ओपन टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जनरली आप बात करते हैं राइट सो so ये रहा इसका क्रॉस सेक्शन एनाटमी ले लेते हैं हम और ब्लड वेसल्स जो होती है, वो poorly developed हैं वो पुअरली डेवलप्ड हैं दे आर नॉट सो वेल डेवलप्ड इसीलिए हम ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर सिस्टम बता रहे हैं ब्लड वेसल्स ओपन होती हैं एक साइनस में एक कैविटी में जो ब्लड फिल्ड कैविटी जिसे हम हीमोसील कहते हैं अगेन दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन मतलब हीमोसील इसके अंदर जो फ्लूड प्रेजेंट होता है उसे हम हीमोलिफ कहते हैं कलरलेस फ्लूड होगा और उसके अंदर कुछ आपको सेल्स भी देखने को मिलेंगे ठीक है अब इसकी पूरी बॉडी यानी कि हीमोसील को दो डायफ्राम डिवाइड कर रहे हैं तीन सेक्शन में तीन सेक्शन बन गए एक है डॉर्सल साइड ये वाला डोरसल साइड है तो डॉर्सल डाइफ्राम और ये वाला डाइफ्राम हम कहेंगे वेंट्रल पर ये नहीं है इसमें बीच में स्पेसेस आपको नजर आ रही होंगी गैप्स नजर आ रहे होंगे राइट यानी कि यहां से सब्सटेंसेस क्रॉस कर सकते हैं यानी कि फ्लूइड क्रॉस कर सकता है विद इन द बॉडी ऑफ कॉकरोच सो देयर इज डॉर्सल so, डाइफ्राम वेंट्रल डाइफ्राम ऊपर वाला ये जो सेक्शन अब क्योंकि इस डिविजन की वजह से इसको एक नाम दिया गया है साइनस साइनस कार्डियल वर्ड आ गया यानी कि हार्ट कॉक्रोच का किस तरफ प्रेजेंट होगा साइड साइड या वेंट्रल पेरीकार्डियल साइनस नाम ही इसलिए दिया है क्योंकि हार्ट इसका किस तरफ प्रेजेंट है डॉर्सल या वेंट्रल क्या जवाब देंगे फटाफट से क्विक लोकेश जिया रोहन शशि प्रियांशु नाइसा सनराइज कैंडीज डॉली रोहन जीनत अनीता अनुष्का ओके करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द डोरसल साइड जब भी हम नॉन कॉर्डेट की बात कर रहे हैं जैसा कि आप पढ़ चुके हैं एनिमल किंगडम में नॉन कॉर्डेट्स में ऑब्वियसली हार्ट अगर प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल साइड में ही प्रेजेंट होगा ठीक है सो पेरीगार्डियल साइनस दिस इज द थर्टीन चैम्बर्ड हार्ट है ना और फिर इसके बाद ये बीच वाला जो सेक्शन है यहाँ पे ज्यादातर ऑर्गन्स लाई कर रहे हैं डिब्ड हैं डूबे हुए हैं हीमोसील में इस वाले पार्ट को हम पेरीविसरल साइनस कहेंगे और वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है नर्वस सिस्टम जिसके बारे में हम आगे देखेंगे अभी मैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बता रही हूँ सो पेरी न्यूरल साइनस इसे कहा गया है ऐसा साइनस मतलब कैविटी जहाँ पे आपको नर्वस सिस्टम देखने को मिल जाएगा इस कॉकरोच का राइट so साइनस peri sinus pericardial साइनस perineural sinus साइनस peri are आर द एस्पेक्ट अब यहाँ पे नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है थर्टीन चैम्बर हार्ट जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड एक्शन करते हैं हीमोसील कैन हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हिमोलिफ ये पूरी तरफ से इधर उधर जाएगा ऑब्वियसली यू कैन सी पेरीविसल साइनस से डॉर्सल साइड पे भी और विसुरल साइड पे भी दिस इज हेड पार्ट अब हेड के लिए स्पेशली आप यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लेके आऊंगी कि हेड पार्ट को अगर कट भी कर दिया जाए तो भी कॉकरोच सात से आठ दिन तक जिंदा रह सकता है ऐसा क्यों है इसको इसको हम क्वेश्चन की फॉर्मेट में लेंगे ठीक है तो उसके लिए थोड़ा सा क्यूरियस रहिए अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन की फॉर्मेट में उसको मैं लेके आऊंगी अब है हमारे पास ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में ये जो थर्टीन चैम्बर्स ऑफ हार्ट बताए हुए हैं ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड भी फंक्शन करते हैं ब्लड फ्लो हमेशा पोस्टीरियर दिस पार्ट इज पोस्टीरियर हेड पार्ट उधर है वो एंटीरियर है इट मूव्स फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड यानी कि एंटीरियर एओटा जो यहाँ पे सबसे आगे वाला सेक्शन है इस तरफ ब्लड फ्लो करेगा ऑलवेज फ्रॉम द पोस्टीरियर टू द एंटीरियर साइड और इसके हेल्प करेंगे इससे रिलेटेड मसल्स जिसे हम कह देते हैं एलेरी मसल्स जैसा कि आप देख सकते हैं अब सुनना ध्यान से कितने चैम्बर्स हैं हार्ट के थर्टीन चैम्बर्स एलरी मसल्स पूछ लिया जाए कि कितने का नंबर होगा, 12 पेर. है? कुछ डेटा कुछ आपको बता रही हूं कभी पूछ लिए जाए तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए ये पोस्टीरियर मोस्ट सेक्शन में एल मसल्स मसल यहां पर जुड़े हुए नहीं है बाकी के सारे सेक्शंस में जितने भी चैंबर्स हैं हार्ट के वहां पे एल मसल्स हैं ठीक है थीके? सो विसरल ऑर्गन्स आर लोकेटेड इन द हीमोसील जितने भी ऑर्गन्स हैं वो बीच वाले चैम्बर में थे पेरीविसरल सेक्शन में थे हीमोलिम्फ कलरलेस प्लाज्मा एज वेल एज कुछ सेल जिसे हीमोसाइट्स कहेंगे ये यह, ये यह, यहाँ पे देखने को मिलेगा हार्ट ऑफ कॉकरोच हैज मस्क्युलर ट्यूब जो कि मिड डोर्सल लाइन में प्रेजेंट है ऑफ थोरिक्स एंड एबडोमिन हेड पार्ट में ऑब्वियसली हार्ट सेक्शन प्रेजेंट नहीं है इसके अलावा इट इज़ डिफरेंशिएटेड इन टू फनल शेप्ड आपको ये जो सेक्शंस नज़र आ रहे होंगे सारे ये फनल शेप्ड हैं और इनके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे पेयर्स में पोर्स होते हैं जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं तो वो जो फ्लूड होता है इनके अंदर ऑस्टिया के थ्रू जाएगा और वो पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ मूव करेगा इट इज़ पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनस अगेन क्लियर नेक्स्ट आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम अब क्योंकि हम क्लास इंसेक्टा पढ़ रहे हैं और जैसा कि आपने कहीं ना कहीं अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ा हुआ हो ह्यूमन फिजोलॉजी में तो यहाँ पे पढ़ते हैं ट्रैकियल सिस्टम राइट फॉर रेस्पिरेशन देयर इज ट्रैकियल सिस्टम सो यू कैन सी ट्रैक आर प्रेजेंट और बाहर की तरफ ओपनिंग जो होती हैं उन्हें हम स्पिरिकल्स कह देते हैं सो टेन पेयर ऑफ स्पिरिकल्स आर प्रेजेंट ओपनिंग जस्ट लाइक आर नॉस्ट्रल जैसे हमारे पास नोस्ट्रल्स हैं वैसे यहाँ पे भी पेयर्ड फॉर्म में स्पिरिकल्स जो कि इसको आउटर एनवायरमेंट से कनेक्ट करते हैं वो ओपनिंग्स को नाम दिया गया है सो so, यहाँ पे ट्रैक्यूल ट्री आपको देखने को मिलेगा ट्रैकी और उसकी फर्दर ब्रांचिंग को ट्रैकिअल्स कहा जाता है इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकि एंड इट हैज टेन पेयर ऑफ स्मॉल होल्स जिसे हमने स्पिरिकल्स spir कहा है प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी इसमें से स्पिरकल्स को भी अगर मैं डिवाइड करूं कहा प्रेजेंट है थॉरिक्स रीजन में या में तो फर्स्ट टू पेयर्स जो हैं वो थॉरिक्स में है इसके बाद वाले एट स्पिर एबडोम रीजन में प्रेजेंट है ठीक है सो इन टोटल टेन पेयर ऑफ स्पेरिकल्स ये लक्ष्मी बिल्कुल सही ओके नाउ थिन ब्रांचिंग टिब्यूल्स आर प्रेजेंट जस्ट लाइक दिस इसको और ज्यादा क्रॉस सेक्शन में लिया है मैंने जहां पे आप देख सकते हैं ट्रैकिया एंड उसकी ब्रांचिंग ट्रैक्यूअल भी यहाँ पे दिखाई गई है ये है स्पिरिकल जो कि कोऑर्डिनेटेड है एक्शन इसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का मसल्स के थ्रू होगा और जितना भी प्रोसेस है इन्हीलेशन एक्सलेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा यहाँ पे डैट वुड बी विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन दैट इज हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अर्थ होम नहीं है तो इसलिए नहीं पढ़ाया जाएगा आप कितनी भी बार पूछ लें दिलीप इसका आंसर यही है मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला मैं कॉकरोच और फ्रॉग पढ़ाने वाली हूँ आज के सेक्शन में ठीक है ट्रैक्यल सिस्टम प्रेजेंट इन क्लास एक्सक्रीटरी सिस्टम इंसेक्टा में बात करें अगर तो किस तरह का होता है चलो पहले इसका जवाब दे दो करूंगी डिटेल में चलो फटाफट से बता दीजिए किस टाइप का ऑर्गेनिजम है यूरिकोटेलिक है यूरियोटेलिक है अमोनोटेलिक है ये जवाब देना है आपको एक्सक्रीशन सब्सटेंसेस जिस हिसाब से होते हैं उस हिसाब से ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है तो ये ऑर्गेनिज्म जो कॉकरोच पढ़ रहे हैं हम ये यूरियोटेलिक है यूरिकोटेलिक है या अमोनोटेलिक है ये क्वेश्चन आता भी है बहुत पूछो बहुत प्रेवलेंट uh, क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कुछ आंसर दे रहे हैं यूरिको कुछ दे रहे हैं यूरियोटेलिक भी इंसेक्ट की बात करें इंसेक्ट क्लास इंसेक्टा ओके सो द आंसर वुड बी यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करेगा ठीक है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने अभी थोड़ी देर पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में एक शब्द लिया था मैंने यूज़ किया था रिंग ऑफ हंड्रेड टू वन टिब्यूल्स इज प्रेजेंट पेयर्ड विच इज मालफीजियन टिब्यूल हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑलरेडी ये चीज़ तो मैंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दी थी एक्सक्रीशन इज बाय मालफीजियन टिब्यूल्स ईच टिब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडूलर एंड सीलिएटेड सेल्स जो कि कलेक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज में हेल्प करते हैं सीलिया एंड ग्लैंड एब्सॉर्ब करेंगे जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको यूरिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्सक्रीशन कर दिया जाएगा दैट्स द ऑर्गेनिज्म इज यूरिकोटेलिक इसके अलावा भी कई बार क्वेश्चन में ऑल ऑफ दू क्योंकि ऑप्शन में कुछ और भी एक्सक्रीटरी पार्ट लिखे हुए होते हैं जैसे कि लिखा हुआ हो सकता है सेकेंड ऑप्शन हो सकता है फैट बॉडी थर्ड ऑप्शन में हो सकता है नेफ्रोसाइड्स एंड यूरिकोज ग्लैंड लिखा हुआ हो और ये भी वो बॉडी पार्ट्स हैं जो कि एक्सक्रीशन में ही हेल्प करते हैं तो अगैन दिस इज इम्पॉर्टेंट कई बार हो सकता है आपको ऐसे ऑप्शन भी देखने को मिल जाए जहाँ फिर लास्ट में ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर देना पड़ेगा ऑल ऑफ द अबाउ फैट बॉडी नेफ्रोसाइट यूरिकोज ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन इनकी डिटेल्ड स्टडी या इसके स्ट्रक्चर पे जाने की जरूरत नहीं है इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है एन में नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें क्योंकि हम नॉन कॉर्डेट पढ़ रहे हैं तो मैं इसको लिंक कर रही हूँ एनिमल किंगडम के साथ में नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं तो नर्वस सिस्टम कौन से एस्पेक्ट में मिलेगा डॉर्सल साइड या वेंट्रल साइड डॉर्सल साइड या वेंट्रल साइड फटाफट से आंसर दीजिए शशि कुमार आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है अभी मैं नर्वस सिस्टम पढ़ा रही हूँ जब जहां जो पढ़ाया जा रहा हो तब वो पढ़ लेना चाहिए राइट ओके नॉन कॉर्डेट के लिए तीन वर्ड जो हमेशा याद रखने होते हैं बिल्कुल जिया सही आंसर दे रही है नॉन कॉर्डेट में नर्वस सिस्टम पे क्वेश्चन आ जाए तो तीन वर्ड जो याद होने चाहिए वो है सॉलिड पेयर्ड और प्रेजेंट होगा वेंट्रल एस्पेक्ट पे हमेशा और इसका रिवर्स इज ट्रू फॉर कॉर्डेट्स कॉर्डेट के किसी भी एग्जाम्पल को देके आपसे एक नर्वस सिस्टम पूछ ले तो इसका ऑपोजिट आंसर कर दो वहाँ पे सॉलिड की जगह हॉलो पेयर्ड की जगह अनपेयर्ड और वेंट्रल की जगह डॉर्सल एस्पेक्ट में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ कॉर्डेट्स क्लियर तो दोनों के लिए अगर क्वेश्चन आ जाता है तो एनिमल किंगडम से भी सॉल्व हो सकता है इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉकरोच पड़ा हुआ ही हो तभी आंसर कर पाएंगे हम तो पढ़ा ही नहीं आंसर ही नहीं कर रहे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ गैंगलिया क्योंकि नॉन कॉर्डेट है तो गैंगलिय ज़्यादा देखने को मिलते हैं कुछ सर्कमफेरेंशियल फॉर्म में प्रेजेंट है उसी को ब्रेन नाम दे दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं सुपरा ईसोफेजियल गैंगलियन जो सर्कल में प्रेजेंट है तो इस गैंगलियन को ही हम बोल देते हैं कंसिडर कर लेते हैं एज ब्रेन इसके पीछे की तरफ और बहुत सारे गैंग्लियॉन्स हैं जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ कमिशर्स सो हियर यू कैन सी वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी था नर्व कॉर्ड इज डबल सॉलिड एंड वेंट्रल एज यू नो इट वेरी वेल नॉन कॉर्डिट में हमेशा आपको यही आंसर देने हैं। नाइन सेगमेंटल गैंगलियन है इसमें से तीन थोरेक्स पार्ट में है रेस्ट ऑफ द सिक्स आर प्रेजेंट इन द एबडोम सेक्शन सो थ्री आर थोरेसिक गैंगलियन एंड रेस्ट ऑफ दैम सिक्स ऑफ दर एबडोम गैंग्लियॉन पर आगे की तरफ प्रेजेंट है ये थॉरेक्स और एबडोमन में अब आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा है मैंने कहा था अगर हेड पार्ट को हटा भी दें तो भी कॉकरोच जिंदा रहेगा क्योंकि हेड पार्ट में कोई गैंगलियन नहीं है कोई पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम नहीं है जो इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इंस्ट्रक्शन दे रहा हो तो हेड को अगर डायसेक्ट करके हटा भी दो या कट भी जाए वो तो भी ये कॉकरोच एटलीस्ट सेवन टू एट डेज जिंदा रहेगा इसके अलावा इसके पास सेंसरी ऑर्गन्स हैं लिस्ट दे रखी है एक एनसीईआरटी में सेंसरी ऑर्गन्स की जहां पे सेंस ऑर्गन्स में बताए हैं एंटीना आइज पल्प लेबियल पल्प एंड एनल दीज आर हेल्पफुल इन सेंसेशन इसके अलावा यहां पे जो कंपाउंड आई है वो प्रेजेंट होती है ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द हेड रीजन और जैसा कि मैंने बताया था बहुत सारे छोटे छोटे लेंस मिलके इसके विजन में हेल्प करते हैं तो लगभग 2000 हजार हेग्जागोनल ओमेटी है सिंगल फॉर्म में ओमेटिडियम इसको बोलते हैं डेट हेल्प इन रिसीविंग ऑब्जेक्ट इमेज ये परसीव करेंगे इस तरह के विजन को हम मोजैक विजन कहते हैं हालांकि ये काफी सेंसिटिव है नॉक्टर्नल एलिमे सेंसिटिविटी ज्यादा होनी भी चाहिए पर रेजोल्यूशन उसका इतना अच्छा नहीं होता है लेस रेजोल्यूशन नॉक्टर्नल विजन में हेल्प करता है कॉमनली बिकॉज द एनिमल इज नॉक्टर्नल क्लियर मोजैक विजन ओके क्वेश्चन ले लेते हैं इफ द हेड ऑफ इज कट ऑफ इट विल रिमेन अलाइव एज लॉन्ग एज वन वीक रीजन दिया हुआ है क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को ये है हैशन रीजन द हेड ऑफ कॉकरोच होल्ड ओनली अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम देयर इज नो गैंग्लिया ओनली अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज देयर व्हाट वुड आंसर फॉर दिस

ऑर्गेनिज्म है मेल एंड फीमेल कॉकरोचेज आर देयर टेस्टिस आपको देखने को मिलेगा फोर टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट है ये फोर्थ सेगमेंट है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इस तरह से दिस इज फोर्थ सेगमेंट फिफ्थ एंड सो ऑन सो फोर टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट्स में आपको टेस्टिस देखने को मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक फोर फाइव एंड सिक्स इसके अलावा यहाँ से निकल रहा है पेयर्ड फॉर्म में एक टिब्यूल जो कि इसको कनेक्ट कर रहा है डक्ट से और इसे हम कह देते हैं वास डेफरेंस टेस्टिस फिर वास डेफरेंस फिर इजैकुलेटरी डक्ट से जो स्पर्म का ग्रुप होता है वो बाहर फेंक दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मा का सो यहाँ पे आप देख पाएंगे मेल गोनो फोर इसकी लेबलिंग पहले मैं लेके आ जाती हूँ दिस इज मेल गोनो फोर जिसके थ्रू

इसको भी फर्दर दो एस्पेक्ट में डिवाइड किया हुआ है बाहर की तरफ जो बड़े लार्ज लॉन्ग टिब्यूल्स हैं वो और कुछ छोटे स्मॉल टिब्यूल्स आपको यहां पे नजर आ रहे होंगे जस्ट लाइक फ्लावर पेटल्स ऐसा आपको नजर आ रहा होगा तो स्मॉल टिब्यूल्स हैं और लॉन्ग टिब्यूल्स हैं स्मॉल टिब्यूल्स का फंक्शन होता है दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स ठीक है सो दिस इज इन टोटालिटी मशरूम ग्लैंड विच हेल्प इन इडिंग द न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स यहां से स्पर्म्स आगे की तरफ निकलेंगे एंड मोइल गोनोफोर नाउ जब स्पर्म बॉल बनता है स्पर्म बॉल मतलब ग्रुप ऑफ स्पर्म जो बनता है स्पर्म बॉल वो लेयर से कवर्ड होता है तो यहां पर थ्री लेयर से वो कवर्ड होता है फर्स्ट लेयर जो होती है फॉर्म द फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर इज फॉर्म्ड बाय लॉन्ग टिब्यूल्स जो लॉन्ग टिब्यूल्स यहाँ पे आपको बताए गए हैं मशरूम्लैंड के वो बनाते हैं इसका पहला लेयर प्रोटेक्टिव लेयर सेकेंड लेयर जो होता है वो बनाया जाता है फ्रॉम द जब ये गुजर रहा होता है इजेकुलेटरी डक्ट से और थर्ड लेयर इसका इजेकुलेशन के टाइम पे बनता है बाय द फैलिक या फिर कॉन्गो ब्लेड ग्लैंड जो कि आपको यहां नजर आ रहा होगा तो तीन लेयर से कवर्ड होता है ये स्पर्म बॉल और तब ये इजेक्ट आउट होता है फ्रॉम द बॉडी क्लियर इज दिस पॉइंट क्लियर ओके okay, एक और लाइन यहाँ पे जो एनसीआर की लाइन है स्पर्म जैसे कि मैंने बोला था ये ग्रुप में बाहर की तरफ आएंगे स्पर्म्स आर स्टोर्ड फॉर द टाइम पीरियड इन से माइनल वेसाइकल्स और यहाँ पे ये स्पर्म्स एक दूसरे से ग्लूड हो जाते हैं जुड़ जाते हैं एक स्पर्म बॉल की फॉर्म में ये बाहर निकलेंगे और इस बंडल को हम नाम देते हैं स्पर्मैटोफोर ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है जो कई बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि जैसे ही अभी मैं आगे फीमेल

राइट फेलोमियर लेफ्ट फेलोमियर एंड वेंट्रल फेलोमियर इनका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना टूवर्ड्स द मेल गोनोफोर जो यहां पे पोर है जो यहां पे मैंने लेबल भी किया था गोनोफोर उसको प्रोटेक्शन का काम करेंगे ये फेलोमियोस ओके सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज दीज सेक्शंस इसके बाद आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच कॉकरोच फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखेंगे पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट है अब ये भी कौन से एब्डोमिनल सेक्शन में प्रेजेंट है तो आंसर है सेकेंड एब्डोमिनल सेक्शन में प्रेजेंट होती है सेकेंड से सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती है ovary, जो कि लाई कर रही है सेकेंड से सिक्स क्लियर इनके अंदर आपको टिब्यूल्स नजर आ रहे होंगे इन टिब्यूल्स को नाम दिया गया है ओवेरियल हर एक ओवरी के अंदर एट ओवरी यानी कि एट टिब्यूल्स होते हैं सो एट एंड एट टोटल सिक्सटीन पूछा जा सकता है ईज करके पूछ ले तो ऑब्वियसली यू नो द आंसर वेरी वेल ठीक है ओके okay. इससे निकलने वाली जो डक्ट है वो ओवी डक कहलाएंगी और ये मर्ज होके खुलती हैं वेजाइना के अंदर वेजाइना के बाद जो सेक्शन आप देख पा रहे होंगे ये वाला दिस इज स्पर्माथीका अब ये भी पेयर्ड है स्पर्माथिका पेयर्ड है राइट एंड लेफ्ट पर इनमें से एक ही वेल well डेवलप्ड है पर इतना डिटेल में अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है इतना डिटेल में एनसीआरटी में नहीं दिया हुआ है पर हाँ स्पर्मा थी का वर्ड मैं यूज करूंगी स्पर्मा थी का ओपन इन टू द नेक्स्ट सेक्शन जिसे हम गुन से कवर्ड बताते हैं और ये है यहां पे लेबलिंग्स पेयर ऑफ ओवरी स्पर्माथी का को लेट्रल भी आपको नजर आ रहे होंगे ये जो ब्रांच फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं ये है को ग्लैंड्स इनकी ओपनिंग भी आप एक सेक्शन में देख रहे हैं जिसका नाम है जनाइटल चैम्बर सो सारी ओपनिंग्स यहाँ पे जनाइटल चैम्बर में आके खुलती हैं फीमेल का ओवा जो रिलीज होगा एग जो रिलीज होगा ओवरी से डैट विल मूव इन टू द वेजाइना एंड वेजाइना से ये रिलीज होगा इन द जनाइटल चैम्बर पॉपुलेशन यहाँ पे होगा अंदर ऊथिकल चैम्बर और वेस्टिब्यूलम भी इसे कहा जाता है इन दोनों को मिला के आउटर सेक्शन ऊथिकल चैम्बर और अंदर वाला सेक्शन जेनाइटल चैम्बर इन दोनों को मिला के जेनाइटल पाउच कहा जाता है विच इज प्रेजेंट इन द सेवेंथ सेगमेंट सेवेंथ ब्रूड पाउच कहा जाता है बोर्ड शेप का स्ट्रक्चर होता है ऑन द वेंटल एस्पेक्ट जो कि कवर कर रहा है इस जेनाइटल पाउच को यहाँ पे को लेट्रियल ग्लैंड जो की ऊथिकल केस बनाते हैं अब आपको लग रहा होगा ऊ थी क्या होता है तो एग को कवर करने के लिए जो केस है ऊथिकल केस वो बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम द को लेट्रियल ग्लैंड अ पेयर ऑफ स्पर्माथीका इज प्रेजेंट इन द दिक्कत सेगमेंट जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पर्माथिका सिक्स सेगमेंट में प्रेजेंट है और ये ओपन होता है इन द जनाइटल चैम्बर विच इज दिस सेक्शन

फीमेल के अंदर मैंने अभी बोला था बोर्ड शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है सेवन स्टर्नम यानी कि वेंट्रल एस्पेक्ट पे जो स्टर्नम है वो बोर्ड शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं टुगेदर विद एट एंड नाइन्थ स्टर्नाइट आई होप दिस रेड इज क्लियर ओके चलो मैं येलो चूज कर लेती हूँ ये बना लेते हैं फ्लोर और फॉर्म करते हैं जनाइटल पाउच जेनाइटल तो पाउच कहां पे प्रेजेंट है तो सेवेंथ एट और नाइन्थ जो वेंट्रल एस्पेक्ट पे स्टर्नम है वो एक बोर्ड शेप स्ट्रक्चर बना रहे हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनता है पाउच इन द केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कंटेन करता है फीमेल गोनोपोर इनकी ओपनिंग गोनोपोर स्पर्माथिकल पोर्स एंड कोलिट्रियल ग्लैंड सबकी ओपनिंग आ रही है जेनाइटल पाउच के अंदर क्लियर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉकरोच स्पर्म जो ट्रांसफर होंगे वो दे आर ट्रांसफर थ्रू द स्पर्मैटो वो जो बॉल बनाया था स्पर्म बॉल लेयर कवर था उसको बोला था हमने स्पर्मैटो फोर लेयर स्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड फंक्शन दे आर फर्टिलाइज एग्स आर इनकेज इन कैप्सूल जिसे हम कहते हैं ऊथी का और ऊथी का जो केस है वो सिक्रीशन कहाँ से आ रहे थे कोलेट्रियल ग्लैंड से इज दिस सेक्शन क्लियर मेल फीमेल और जो पॉपुलेशन हुआ है उसके बाद में जो कवरिंग होगी डेट इज़ ऊ और ऊ के लिए जो सिक्रीशंस आ रहे हैं वो ऊथिकल थीकल से आते हैं दे आर ग्लूड टुगेदर और ये फीमेल कॉकरोच उसको जाके एक ऐसी जगह पे प्रोटेक्टेड जगह पे ले कर देती है एग्स को ताकि वो आगे की तरफ उनका और डेवलपमेंट uh, हो सो so क्रेवाइज या जहाँ ऐसा ह्यूमिड इन्वायरमेंट हो जहाँ फूड सोर्स भी अवेलेबल हो वहाँ पे वहाँ पे बाहर आउट ऑफ द बॉडी दीज आर लेड आउटसाइड। साइड एट अ टाइम फीमेल प्रोड्यूस कर सकती है नाइन टू टेन ऊथी का कॉम्बिनेशन के बाद के बाद नाइन टू टेन ऊथी का ईच कंटेनिंग फोर्टीन टू सिक्सटीन एग्स दिस इज द कंडीशन विच इज लेड बाय फीमेल एट अ टाइम सो दीज आर द फर्टिलाइज एग्स एज सीन इन द चैम्बर ऊथी चैम्बर कवर कर रहा है तो बाहर की तरफ जो ले किया गया है वो एग्स हैं द डेवलपमेंट ऑफ़ पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना इज पौरोमेटाबोलस अब ये वर्ड इसको समझाने के लिए मैंशन किया हुआ है पोरोमेटाबोलस का वर्ड का मतलब होता है द डेवलपमेंट इज़ थ्रू द निफल स्टेज आपको एक निम्फ स्टेज देखने को मिलेगी यानी कि यहाँ पे होता है लारवल स्टेज से अडल्ट स्टेज के बीच में बहुत सारी स्टेजेज आती हैं लगभग थर्टीन स्टेजेज आर देयर इसमें निम्फ स्टेज भी आपको देखने को मिलेगी आपने कई बार शायद अगर आपने घर में कॉकरोच रात में ऑब्जर्व करे होंगे तो निव स्टेज वाले भी कॉकरोचेस वहाँ पे होते हैं एंड फाइनली द अडल्ट स्टेज ऑफ कॉकरोचेस देर ठीक है तो इसमें मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगा ऑब्वियसली बिकॉज लार्वल स्टेज है और उसके बाद अडल्ट स्टेज है तो एक मोल्टिंग देखने को मिलेगी मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगा उसके लिए ग्लैंड की जरूरत पड़ेगी मोल्टिंग के लिए द निव स्टेज लुक्स वेरी मच लाइक द अडल्ट निफ ग्रो करता है मोल्टिंग शो करता है लगभग लगभग तेरह बार टू फाइनली रीच टू द अडल्ट स्टेज थर्टीन मोल्टिंग प्रोसेस होंगे और इसके लिए एक ग्लैंड की ज़रूरत पड़ेगी एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम कह देते हैं मोल्टिंग हार्मोन, एक डायसन हार्मोन जो कि मोल्टिंग में हेल्प करेगा यानी कि मेटामोरफोसिस में, में ले, ओ, 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 हेल्प करेगा एंड आफ्टर द फिनिशिंग यानी कि फिफ्टीन थर्टीन जो इसके मोल्टिंग है अगर वो कम्प्लीट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली दिस मोल्टिंग हॉर्मोन वुड नॉट बी देयर एक डायसन हार्मोन वुड नॉट बी देयर ये ग्लैंड डीजनरेट हो जाएगा आफ्टर द कंप्लीट मेटामोरफोसिस नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज मतलब अडल्ट स्टेज आने के जस्ट पहले वाला जो निम्फल स्टेज होता है वहां पे विंग पैड्स तो आ चुके हैं पर वो उड़ नहीं सकता यानी कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अडल्ट कॉकरोच जो बन जाएगा उसमें ही आप विंग्स देख पाएंगे और उसमें से भी हाइंड विंग्स ही हेल्प करते हैं फ्लाइंग में ठीक है बिल्कुल जी डेंजरस ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है क्वेश्चन आंसर ले लें अजर्शन रीजन वाले अजर्शन कॉकरोच शो सेक्शुअल डायमोर्फिज मेल फीमेल अलग अलग रीजन द फीमेल कॉकरोच बेयर्स अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक -like, एनल स्टाइल फॉर दिस क्वेश्चन अजर्शन रीजन फटाफट से पहले तो ये चेक करो दोनों ट्रू हैं या कोई फॉल्स स्टेटमेंट है उसके बाद क्योंकि अगर दोनों ट्रू हैं तो आप इन फर्स्ट या सेकंड को चूज करने की कोशिश करोगे अदरवाइज आपके पास थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है ईशान गलत आंसर दे रहे हो उंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ मेल तो रीजन गलत दिया हुआ है अजर्शन करेक्ट है बट रीजन इज इन करेक्ट ऑप्शन जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी थर्ड ठीक है चलो सो मेनी स्पीशीज आर देयर ऑफ कॉकरोचेस जो कि वाइल्ड है और इनका कोई 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 इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है अ फ्यू स्पीशी विच थ्राइव इन एंड अराउंड ह्यूमन हैबिटेट ये आपको हमेशा ह्यूमन हैबिटेट के आसपास ही देखने को मिलेगी पेस्ट की तरह एक्ट करते हैं वैक्टर की तरह एक्ट करते हैं काफी सारी बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए ट्रांसमिशन में हेल्प कर देते हैं बाय कंटेमिनेटिंग द फूड मटीरियल which ऑफ द following कैरेक्टरिस्टिक इज incorrect with respect to टू कॉक्रोच बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैंशन की हुई हैं वन टू थ्री फोर रिंग ऑफ फर्स्ट ऑप्शन में पढ़ देती हूँ बाय द माउथ पार्ट थर्ड ऑप्शन है इन फीमेल सेवन टू नाइन्थ टूगेदर फॉम जेनाइटल पाउच और फोर्थ ऑप्शन है टेंथ एबडोम सेगमेंट इन बोथ दियोर पेयर ऑफ एनल सरकाई आपको इन करेक्ट चूज करना है Incorrect. Okay, ओके रोहन गलत आंसर जी हाँ करेक्ट ओके सो फर्स्ट ऑप्शन गलत दिया हुआ है गैस्ट्रिक सीका जिसे हिपैटिक सीका भी मैंने बोला था दोनों नाम आपको बता दिए थे उसी वक्त ये जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं पर फोरगट और मिडगट के तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है बाकी के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिए हुए हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट काक्रोच स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू ये रहा स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन इन मेल कॉकरोच अ कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द टू सेगमेंट एज एन दिक्कतरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ये है स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू दिया हुआ है ब्लड फ्रॉम साइनस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया जो दो पोर्स बताए थे एंड इज पॉर्म्ड एंटीरियरली टू साइनस अगेन चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो स्टेटमेंट वन एंड टू आइडेंटिफाई एज करेक्ट और इनकरेक्ट से ओके सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन फॉर दिस इज फ्रॉग, ठीक है स्टार्ट राइट क्लास सुपर क्लास ट्रेट्रापो को बिलोंग करता है कॉमनली जो इंडियन फ्रॉक होता है उसका नाम बताएंगे जुलॉजिकल नॉमिन दे देंगे जिकल नॉमिन क्लेचर फटाफट करेक्ट शशि सो फाइलम कॉर्डेटा क्लास एम्फीबिया जीनस रैना एंड स्पीशी का नाम टिग्रीना, सो रैना टिग्रीना इज द करेक्ट आंसर जो काफी बच्चे यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख भी रहे हैं ओके कॉमन इंडियन फ्रॉग नेम्ड एज रैना टिग्रीना दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर जिसे हम कह देते हैं कैमोफ्ले शो कर देते हैं और इसी को हम बोल देते हैं मिमिक्री शो करते हैं ठीक है सो वन ऑफ द प्रोटेक्टिव कलरेशन इज मिमिक्री इनका कोई कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता इसीलिए हम इनको कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलो थर्म्स कहते हैं यानी कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पॉइकिलो थर्म्स अब यहां पे एक और फीचर भी जो फ्रॉक के अंदर प्रेजेंट होता है ये दोनों ही तरह के ड्रास्टिक चेंज अगर होते हैं मौसम में तो ये सोने के लिए चला जाएगा इसे कह देंगे हम समर स्लीप समर स्लीप का एक और नाम एस्टिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट और अगर सर्दियों में ऐसा होता है विंटर स्लीप तो उसे हम कह देते हैं हाइबरनेशन दोनों ही केसेस में अगर इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए पूछ लिया जाए इस एस्पेक्ट में इस टाइम पीरियड में तो ऑब्वियसली इट रेस्पायर्स थ्रू द स्किन और इस टाइम पे ये अपना बॉडी फैट से मेटाबॉलिज्म यूज कर रहा होता है राइट right? मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स हेड एंड ट्रंक देर इज नो नेक एंड नो टेल अब एनिमल किंगडम जब आपने पढ़ा होगा तो कॉर्डेट में ज्यादातर आपको हेड नेक ट्रंक एंड टेल चार पार्ट ऑब्वियसली ज्यादातर देखने को मिलते हैं ज्यादातर मेजरली पर यहां पे क्लास एम्फीबिया की जब हम बात करेंगे एक्सेप्शन हटा दो जहां पे टेल प्रेजेंट होती है ऐसे एग्जाम्पल भी हैं एम्फीबिया में बट उसके अलावा बॉडीज डिवाइडेड जनरली इन हेड एंड ट्रंक इन केस ऑफ स्पेशली ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं फ्रॉक के बारे में ठीक है ओके हेड पार्ट दिस इज द ट्रंक पार्ट बल्कि बिल्कुल हाइंड लिम्स आपको नजर आ रहे होंगे फोर लिम्स उससे कंपेरेटिवली इतने बल्कि नहीं होते हैं पूरी जो स्किन होती है वो कवर्ड होती है बाय द स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ म्यू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड तो म्यूकस सिक्रेशन होता है ऑब्वियसली म्यूकस सिक्रेशन होना भी चाहिए क्योंकि फैसिलिटेट करवाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन के थ्रू और हेल्प करेगा स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन में जिसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ठीक है? है, पानी में रहता पर पानी पीता नहीं है इट डॉर्सल साइड पे अगर कलर एस्पेक्ट देखना चाहे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा डॉर्सल और वेंट्रल साइड पे. डॉर्सल कंपैरेटिवली ऑलिव ग्रीन वेंट्रल साइड यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर का होता है वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स बर्ज आईज जिसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं ऑब्वियसली लैशेज एंड निक्टेटिंग मैमब्रेन भी होगा जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे और यहाँ पे प्रेजेंट है टिम्पैनम ईयर है ना आउटर ईयर नाउ कवर्ड बाय थ्री आईलेट्स अपर इमूवेबल लोअर मूवेबल और निक्टिटेटिंग मैम्रेन तो आईज जो होती हैं ये कवर्ड होती हैं बाय अपर लोअर एंड निक्टिटेटिंग मैम्रेन अपर आईलिड इमूवेबल होगी हमारी आईलिड जो होती है अपर वाली मूवेबल है आईज क्लोज करने के लिए आप अपर आईलिड से क्लोज करते हैं बट इन केस ऑफ फ्रॉग लोअर आईलिड ऊपर की तरफ मूव करेगी दैट इज मोटाई ठीक है मूवेबल डिटिक्टेटिंग मेम्ब्रेन पानी के टाइम पे इसको बेटा मिमिक्री कैमोफ्लेज अभी बॉटनी में सेक्शन में डिफरेंस uh, में आएगा यहाँ पे प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्रॉग ठीक है मेमिक्री और कैमोफ्लेज का डिफरेंस अभी हाल फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा पॉज दूंगी बॉटनी सेक्शन में इसको बता दिया जाएगा हम पहले फ्रॉग कंप्लीट करेंगे टिम्पैनम रिसीव्स द साउंड सिग्नल विच हेल्प इन सेंसरी ऑर्गन एज अ सेंसरी ऑर्गन लिम्स और इसके पास डिजिट्स कितने होते हैं तो देर आर फोर डिजिट्स इन केस ऑफ फोर फोरलिम कॉपोलेटरी पैड भी प्रेजेंट होगा पर यह प्रेजेंट होगा ओनली इन केस ऑफ मेल्स इट इज एबसेंट इन केस ऑफ फीमेल यानी कि सेक्शुअल डायमोर्फिज है मेल फीमेल अलग अलग होते हैं कॉपुलेटरी पैड सिर्फ और सिर्फ मेल फ्रॉग के अंदर नजर आएंगे हाइंडलिम्ब्स काफी बल्कि होते हैं और डिजिट्स अगर देखा जाए तो पेंटाडेक्टाइल हैं यानी कि फाइव डिजिट्स यहाँ पे देख देखने को मिलेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है फोर लिम्ब और हाइंडलिम में टेट्राडेक्टाइल पेंटाडेक्टाइल नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट है और एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है क्योंकि

माउथ में जाएगा ऑब्वियसली फूड एंड इट विल ट्रैवल थ्रू अ पाथवे उस पाथवे का अब मैं आपको मैंशन करवा देती हूँ यहाँ पे मूव्स इंटू द बकल कैविटी देन फैरिंग्स देन इट मूव इन टू द ईसोफेगस स्टमक अब आपको काफी रिलेटेबल लग रहा होगा अगर आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको थोड़ा बहुत जो याद है है ना उसके हिसाब से देखें तो माउथ बकल कैविटी फैरिंग्स ईसोफेगस स्टमक स्टमक के बाद फूट जाएगा इंटेस्टाइन में और इंटेस्टाइन से रेक्टम लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन से होता हुआ क्लोएका के थ्रू इट वुड बी अनडाइजेस्टेड फूड वुड बी इजेक्टेड आउट ऑफ द क्लास एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी दैट इज क्लोयका क्लाइका इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्योंकि यहाँ से ही रिलीज हो रहे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के भी गैमिट्स यहाँ से रिलीज होंगे इजेशन भी यहाँ से होगा अनडाइजेस्ट फूड का और यूरिनरी सिस्टम यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी यहाँ से ही निकलेंगे सो so, यहाँ पे ओपनिंग होती है क्लायका में तीन सिस्टम्स की कॉमन ओपनिंग क्लोए का चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड जो प्रेजेंट होते हैं तो लिवर लिवर से क्रिएट करता है, obviously bile, storage होता है इसका गोल ब्लाडर में टेम्पररी स्टोरेज और यह हेल्प करेगा इन द डाइजेशन ऑफ फैट यानी कि यह करेगा फैट का इमल्सिफिकेशन उसमें हेल्प करेगा ठीक है पेनक्रिया से रिलीज होने वाले काफी सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फाइनली डिग्रेडेशन ऑफ फूड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन ऑल्सो देर आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ द्रियाटिक जूस ये लेबलिंग के साथ आपको यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ इसका डाइजेस्टिव सिस्टम सो इट स्टार्ट फ्रॉम ईसोफेगस टू स्टमक टू इंटेस्टाइन ये तो मेन पार्ट्स हो गए यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मेंशन किए हुए हैं वो है लिवर और गॉल ब्लैडर दिखाया हुआ है सो फूड वुड एंटर थ्रू ईसोफेगस मूव इन टू द स्टामक यहां पर डायजेशन होगा ईसोफेगस से जब यह डाइजेशन के लिए यहाँ पे आएगा एस सी एल का सिक्रेशन होगा गैस्ट्रिक जूसेज का सिक्रेशन होगा विच कंटेन एनजाइम्स देन इट विल रिसीव द फूड इज मूव इन टू इंटेस्टाइन एंड ये रिसीव करेगा लिवर से बाइल जूस एज वेल एज पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक जूस जो यहाँ पे फाइनल कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा इंटेस्टाइन में एंड देन द फूड इज अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन द रेक्टम जो कि मूव करेगा फाइनली आउट ऑफ द बॉडी थ्रू क्लोयका क्लियर डाइजेस्ट सिस्टम इज द ओपनिंग नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे काफी क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सिस्टम से बनते हैं क्योंकि वेरिड रेस्पिरेटरी सिस्टम है जब फ्रॉग को हम देखें कि रिस्पायर कर रहा है लैंड के ऊपर एंड इन वॉटर बाई टू डिफरेंट मैथड्स तो काफी सारे क्वेश्चन यूजली यहां से बनते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से इन वॉटर इट परफॉर्म्स रेस्पिशन विद द हेल्प ऑफ स्किन यानी कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कह देंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वेयर एज जब लैंड पे होता है तो काफी सारे अलग अलग फॉर्मेट में है बकल कैविटी से भी है स्किन से भी है और लंग्स से भी है विच एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो जब लंग्स से हो रहा होता है रेस्पिरेशन उसे हम नाम दे देते हैं पल्मनरी रेस्पिरेशन तो पिंक सैक लाइक प्योर डलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर्स जो इसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो लंग्स की तरह एक्ट करते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन पॉजिटिव ब्रीदिंग क्योंकि बकल कैविटी पहले ऐसे फूलती है और पॉजिटिव प्रेशर के साथ लंग्स में एयर को भेज दिया जाता है ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन वैसे आपका सॉल्व करवा दिया था कि अगर आप यहाँ पे पूछा लिया जाए इस टाइम पे गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है सो इट इज ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ स्किन रेस्पिरेशन करेगा ये समर स्लीप और विंटर स्लीप के टाइम पे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें क्योंकि की बात कर रहे हैं तो टाइप और वेल डेवलप्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा जिसमें इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगराइजेशन क्योंकि सिस्टम है तो इट डिवाइड इंटू थ्री हार्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल्स ठीक है तो ये तीन चीजें यहां पे प्रेजेंट होंगी फ्रॉक के पास लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है कॉर्डेट की बात कर रहे हैं तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी होगा लिम्फेटिक सिस्टम भी होगा लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ 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 चैनल्स और नोड्स भी देखने को मिलेंगे अगेन उसके भी तीन कैटेगराइजेशन है इसके भी तीन कैटेगराइजेशन है बको फेरजियल रेस्पिरेशन होता है जहाँ पे बकल कैविटी में हवा को डाला जाता है और फिर उसको पॉजिटिव प्रेशर के साथ लंग्स में डाल दिया जाता है अनसा योर आंसर ठीक है हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अपर बॉडी कैविटी में थ्री चैम्बर्स मिलेंगे इसके हार्ट में क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्लास एम्फीबिया एमफीबिया में हमेशा थ्री चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलेगा जिसमें से दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल होते हैं और जो ब्लड यहाँ से पंपड आउट होता है ऑब्वियसली क्योंकि मिक्स हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड डी ऑक्सीजनेटेड मिक्सड ब्लड फ्लो होता है थ्रू द ब्लड Vessels. तो ऑबली इसको एक एडिशनल सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जो प्योरीफाई करे तो एडिशनल सिस्टम क्या है यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड पहले से हो जाएगा स्किन के थ्रू भी हो रहा है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के थ्रू भी और एक और रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है ताकि ब्लड जो है रीनल पोर्टल सिस्टम में पहले हाइंड लिम्स से किडनी के पास पहुंचता है यहाँ पे प्यूरीफाई होके फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है सो so, इन यहां पे जो ब्लड है मिक्स ब्लड फ्लोर है तो उसके लिए कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन में ना इसके लिए, लिए यहां पे रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है ओके okay. हार्ट की बात कर रहे थे हम थ्री चैम्बर्ड हार्ट कवर्ड होगा पेरिकार्डियम से और इसके पास प्रेजेंट होते हैं कुछ एडिशनल चैम्बर्स एक एडिशनल चैम्बर जिसका नाम है साइनस वेनोसिस साइनस वेनोसिस एक ट्राइंगुलर चैंबर है जस्ट बिफोर राइट एट्रियम तो पहले जो डी ब्लड आया है आपको ये पता है ह्यूमन हार्ट वाला पूरा सेक्शन अगर आपको पता है डी ब्लड यूजुअली हम जब पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी इट मूव्स इनटू द राइट एट्रियम विद द हेल्प ऑफ वेना वैनाकेवा सुपीरियर एंड इंफीरियर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है पहले वो एंटर करेगा साइनस वेनोसिस में फिर वो जाएगा राइट right एट्रियम में ठीक है लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है की, तो बॉडी ट्राइंगर स्ट्रक्चर साइनस मेनोस है जब यहां से ब्लड वेंट्रिकल से बाहर निकल रहा होता है तो एक कोनस आर्टीरियोस चैम्बर में से होता हुआ फिर आर्टरीज में जाता है ठीक है आप क्वेश्चन लिख दीजिए बेटा जैसे जैसे मैं मैं मेरी नज़र चैट बॉक्स पे भी है जैसे ही मैं इधर मुड़ रही हूँ बॉक्स भी देख रही हूँ और आपकी तरफ देख के इस तरफ पढ़ा भी रही हूँ अगर मुझे वैलिड लगा एनसीआर से बेस्ड क्वेश्चन लगा बिल्कुल मैं उसका आंसर कर दूंगी इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स थ्रू वेना कैवा ठीक है तो राइट right एट्रियम में ब्लड आ रहा है पर उससे पहले वो साइनस मैनोसिस से होता हुआ राइट right एट्रियम में पहुंचेगा ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें बिल्कुल आर बी सीज़ यहाँ प्रेजेंट है पर क्योंकि क्लास एम्फीबिया की बात कर रहे हैं इरिथ्रोसाइट जो होते हैं यहाँ पे दे आर न्यूक्टेड डब्ल्यू बी सीज प्रेजेंट होंगे यानी कि ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट प्रेजेंट होंगे आर बी सी होगा रेड कलर्ड पिगमेंट देखने को मिलेगा यानी कि हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा लेफ्ट भी प्रेजेंट है तो लेफ्ट ब्लड से ही बनता है ब्लड में से अगर प्रोटीन और आरबीसी डिवाइड कर दिए जाए डिवाइड मतलब हटा दिए जाए तो ऑब्वियसली फॉर्मेशन हो जाता है लिम्फ का एंड बिकॉज आर नहीं है लिम्फ इज पेल इन कलर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट ये होता है और एक रीनल पोर्टल सिस्टम जिसकी अभी मैंने बात करी थी ये दो तरह के पोर्टल सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलेंगे अगर आपको पोर्टल सिस्टम के बारे में नहीं पता तो ये कैपिलरी नेटवर्क है जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ रिलेट कर रहा है इस नेटवर्क को इस कैपलरी के नेटवर्क को पोर्टल सिस्टम कहा जाता है क्लास एम्फीबिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो पोर्टल सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे एक है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वर्ड हिपैटिक से समझ में आ रहा होगा ये रिलेट कर रहा है कैपिलरीज का यहाँ पे जो नेटवर्क है इज बिटवीन लिवर एंड इंटस्टाइन सो इंटस्टाइन से जो फूड डिग्रेडेड uh, हो चुका है डाइजेस्टेड हो चुका है जो मोनोमर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है वो पहले लिवर के पास जाता है देन इट इज पर्मनेट टू द हार्ट एंड देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज रीनल पोर्टल सिस्टम की बात करें तो अगेन यहाँ पे भी किडनी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के बीच में कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट है लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से पहले किडनी में प्यूरिफाई हो जाता है पहली ब्लड और देन इट इज मूव्ड फर्दर टूवर्ड्स द हार्ट दिस इज रीनल पोर्टल सिस्टम क्लियर नेक्स्ट क्रिटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो फ्रॉग्स आर यूरियोलिक एनिमल इससे पहले जो कॉक्रोच बताया था वो था यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड वहां से एक्सक्रीट आउट हो रहा था फ्रॉक की अगर हम बात करें यूरियोटेलिक है यानी कि है यहाँ पे यूरिया और कैसे एक्सक्रीट आउट होता है किस ऑर्गन से एक्सक्रीट आउट होता है तो अ पेयर ऑफ किडनी इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द फ्रॉग बिल्कुल आरबीसी न्यूक्लिएटेड होंगे थैंक यू कॉम्पैक्ट डार्क एंड बीन shaped सिमिलर टू द ह्यूमन फिजोलॉजी काफी चीजें आपको ये यह यहाँ पे रिलेटेबल मिल जाएंगी जैसे कि मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम भी बताया तो वैसा ही अगर आपको ह्यूमन फिजोलॉजी वाला पार्ट याद है बिल्कुल यहाँ पे भी वैसा ही काम परफॉर्म हो रहा है ठीक है मैं हिंदी ही बोल रही हूँ भाई इतनी प्रॉब्लम हो रही है हिंदी में पढ़ने में एमबीबीएस में सारी बुक्स इंग्लिश में आएंगी है ना हिंदी इंग्लिश अगर आपको बहुत ज्यादा इसमें टर्मिनोलॉजी में बहुत ज्यादा कमेंट करना है बिल्कुल आप कमेंट करो पर मैं जैसा पढ़ा रही हूं मैं ऐसे ही पढ़ाने वाली हूँ ईच किडनी इज कॉम्पोज ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स जिसे हम यूरिनी फेरस ट्रिब्यूल्स या फिर नेफ्रॉन कहते हैं सेम स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है जो कि ह्यूमन फिजोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है इसको इसलिए रिलेट कर रही हूँ ताकि आपको अलग अलग कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है नेफ्रॉन या फिर यूरीनी फेरस टिब्यूल्स आप वहाँ पर भी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बताते हो किडनी का सेम चीज़ यहाँ पर फ्रॉक के लिए भी बोली गई है ठीक है बिल्कुल टेटपोल्स के लिए अमोनाटेलिक अनसा इब्राहिम बिल्कुल सही बात बोली है उन्होंने यूरियोटेलिक एनिमल हम यहाँ पे बोल रहे हैं फॉर द अडल्ट वन अगर लार्वल स्टेज की बात करूंगी क्योंकि वो पानी में रहते हैं तो वो अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन करेंगे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे अमोनिया एक आउट करेंगे ठीक है नेक्स्ट टू यूरेटर्स इमर्ज होंगे हर एक किडनी से एक एक यूरेटर तो दो यूरेटर इमर्ज होंगे इन द फीमेल फ्रॉम द किडनीज इन द फीमेल सॉरी सॉरी इन द मेल फ्रॉग्स द यूरेटर्स एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल ट्रक ये ओपन होएगा क्लोएका के अंदर अब यूरोनोजेनाइटल बोल दिया यानी कि यूरिन एज़ वेल एज़ जेनिटल सेक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकलने वाले गैमेट्स भी इसी यूरेटर से होते हुए क्लोएका में खुलेंगे इन फीमेल यूरेटर और ओविडक्ट की ओपनिंग अलग-अलग होती है अलग-अलग जाके क्लोएका में खुलेंगे इन ये कॉम्बिनेशन में नहीं खुलेंगे ठीक है क्लियर तो मेल के केस में मेल फ्रॉग के केस में आपको यूरिनोजेनाइटल डक्ट देखने को मिलेगा पर ऐसा ही केस आपको फीमेल्स में नहीं देखने को मिलेगा अब यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे आपको पेयर ऑफ किडनी उससे निकलने वाला यूरेटर यानी कि यूरिनो जनाइटल डक दिखाया गया है जब यूरिनो जेनाइटल लेबलिंग कर दिए यानी कि ये मेल फ्रॉग का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ठीक है, फीमेल का बताया बेटा नहीं है तो उसके साथ ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड भी यहाँ पे देखने को मिलेगा ये जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसकी बात करेंगे हाल फिलहाल में किडनी की बात कर रही हूं तो आपको यहाँ पे किडनी यूरिनोजनाइटल डक्ट यानी कि पेयर ऑफ यूरेटर ये आके ओपन हो रही है क्लोएका के अंदर ये क्लोएकल अपर्चर यहाँ से ओपनिंग बाहर की तरफ यूरिनरी ब्लैडर ये भी ओपन हो रहा है और रेक्टम की ओपनिंग भी क्लोएका के अंदर है जो कि मैंने बोला भी था क्लोएका में तीन तरह के सिस्टम्स की ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्सक्रीटरी सिस्टम की और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ठीक है मिनट यहाँ पे एक और वर्ड है बिडर्स कैनाल किडनी so, से रिलेटेड अटैच एक कैनाल जो होती है जो इसकी ओपनिंग में हेल्प करती है इनटू द यूरिन जेनाइटल डक्ट वो कैनाल कहलाती है बिडर्स कैनाल नेक्स्ट आ जाते हैं नर्वस सिस्टम पे ये सिस्टम ऑब्वियसली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है हाईली इवॉल्व है इन केस ऑफ फ्रॉग यानी कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तो इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ले लिया है मैंने ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए जैसा थोड़ा बहुत कुछ अगर ह्यूमन फिजोलॉजी याद आ रहा हो नर्वस सिस्टम को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में फ्रॉग के अंदर भी डिवाइड कर देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी आ जाएंगे यहाँ पर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स की बात की हुई है और इनका नंबर भी बता दिया है अगेन सेम नंबर आपको एनिमल किंगडम में भी बताया जाता है एनिमल किंगडम क्लास एम्फीवीआई दे हैव टेन पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स ठीक है सेंसरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें अ लिस्ट ऑफ सेंसरी ऑर्गन इज अगेन देयर इन द एनसीआर ऑर्गन ऑफ टच सेंसरी पैपेला और टेस्ट के लिए प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड्स इन द ओरल कैविटी स्मेल के लिए नेजल एपिथीलियम प्रेजेंट है विजन के लिए आइज प्रेजेंट है हियरिंग के लिए टिम्पेनम जो आउटर एस्पेक्ट में मैंने मार्क भी किया था डायग्राम में टिम्पेनम विद इंटरनल ईयर प्रेजेंट है बैलेंसिंग का काम करता है ऑब्वियसली इंटरनल ईयर का प्राइमरी फंक्शन ईयर जब पहले हुआ करता था अभी तो ये भी सिलेबस में नहीं है इंटरनल ईयर का प्राइमरी फंक्शन ही बैलेंसिंग ऑफ बॉडी है सेकेंडरी फंक्शन है हियरिंग सुनना सेकेंडरी फंक्शन है ठीक है ओके okay. अब यहाँ पे एक लाइन इनके लिए जो लिखी हुई है सेंसरी ऑर्गन के लिए इनमें से कुछ यानी कि आईज और ईयर ये दोनों आंखें और कान फ्रॉक के अंदर वेल well ऑर्गेनाइज्ड बाकी के जो हैं ये ये सेलुलर सेल्स के एग्रीगेशन फॉर्म में छुटपुट छुटपुट इधर-उधर इधर-उधर प्रेजेंट है सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड द नर्व एंडिंग्स तो वेल well ऑर्गेनाइज जो आप देख सकते हैं सेंसरी ऑर्गन वो दो ही हैं फ्रॉग के अंदर एक है आईज दूसरा है ईयर्स अ पेयर ऑफ देम एंडोक्राइन सिस्टम में वैसे ही ग्लैंड हैं जैसा कि ह्यूमन फिजोलॉजी में पढ़ाए जाते हैं सेम के सेम नाम तो बस नाम नाम याद रख लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड थाइरॉयड ग्लैंड पैराथाइरयड थाइमस पीनियल ग्लैंड पैनिक्रियाटिक आइलेट्स एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनेट जीज आर द एंडोक्राइन सिस्टम विच आर प्रेजेंट इन द फ्रॉग रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें फ्रॉग हैव वेल ऑर्गेनाइज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दोनों में हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं क्योंकि कॉपुलेटरी पैड और वोकल कॉर्ड सिर्फ और सिर्फ आपको मेल फ्रॉग के अंदर देखने को मिलेंगे Only in case of male फ्रॉक these are absent in case of female frogs. यानी कि they show sexual डायमॉर्फिज्म ऐसा ही वर्ड हमने कॉकरोच में भी यूज किया था क्योंकि वहां पे एनल स्टाइल मेल में मिलता है फीमेल में नहीं यहाँ पे हम फ्रॉक के लिए बोल रहे हैं वोकल सैक और कॉपुलेटरी पैड मेल में मिलते हैं फीमेल में नहीं ठीक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें यहां पे डिटेल में इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस विच इज अडेड टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी किडनी से अटैचड मैंने एक डायग्राम भी बताया था और वहाँ पे बोला था ये अभी टेस्टिस है इसको हम डिटेल में आगे लेंगे तो अभी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी मैं आपके सामने लेके आ जाती हूँ और ये डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम यानी कि मिजोर्कियम की मदद से बॉडी वॉल से अटैच होता है टेस्टिस इज अटैच विद द हेल्प ऑफ पेरिटोनियम डबल फोल्ड जिसे नाम दे दिया गया है इस फोल्ड को नाम दे दिया गया है मिजोर्कियम क्षितिज अमित अजीज लक्ष्मी क्लियर रानी कुमारी एंडोक्राइन ग्लैंड के सिर्फ नाम दिए हुए हैं उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ठीक है चलो दे एंटर द किडनी और यहाँ पे आ जाता है बिडर्स कैनाल वासा वासाइफरेंशिया जो किड जो वासा इफ्रेंशिया टेस्टिस का जो पार्ट है वासा इफ्रेंशिया टेन टू ट्वेल्व नंबर अराइज होते हैं टेस्टिस से मूव करेंगे टूवर्ड द एंटर इंटू द किडनी एंड देन दे ओपन इंटू अ कैनाल जो कि मैंने वहाँ पर लेबल कर दी थी बिडर्स कैनाल ये फाइनली कम्युनिकेट करेंगे यानी कि टेस्टिस से निकल के जो स्पर्म्स आ रहे हैं और जो किडनी से निकल के जो यूरिन आ रहा है ये दोनों मर्ज हो गए हैं यूरिनो कैनाल के अंदर यूरिनो टिब्यूल के अंदर आ गए हैं जिसे हमने बोला था अ पेयर ऑफ यूरेटर एक्टिंग एज यूरिनो डक्ट फाइनली विच ओपन इन द क्लोयका यानी कि टेस्टिस से निकलने वाले स्पर्म और किडनी से निकलने वाला यूरिन दोनों फाइनली यूरेटर से होता हुआ क्लोएका और क्लोएका पल्सर से बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा क्लोयका इज अ स्मॉल मीडियम चैम्बर जिसके थ्रू तीनों डाय सिस्टम्स एक्संटीरियर में खुलते हैं अगैन दिस हैज बीन एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेबलिंग फैट बॉडीज याद करो फैट बॉडीज के लिए बोला था एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं ठीक है तो फैट बॉडीज दिखाया हुआ है ये है अ पेयर ऑफ टेस्टिस जिससे निकलती है वासाइफरेंशिया टेन टू ट्वेल्व पेयर किडनी से होती हुई बिडर्स केनाल्स में आएंगी और फिर ये फाइनली निकलेंगी इंटू द यूरेटर जिसे हमने कह दिया यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्लोइका के थ्रू ओपन हो जाएगा बाहर की तरफ दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज अ पेयर जो कि सिचुएटेड है अगेन नियर द किडनी और देअर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनीज जैसा कि हमने बिडर्स कैनाल की बात करी थी यानी कि अगैन अगर आपसे पूछा जाए बिडर्स कैनाल कौन से तरह के फ्रॉग में देखने को मिलेगी मेल या फीमेल तो अगेन आंसर वुड भी मेल फ्रॉग हैजिस बिडर्स कैनाल अ पेयर ऑफ ओवीडक्ट ओवरी से निकलने वाली डकट को ओवीडक्ट कहा जाता है ये ओपन होती है इंटू क्लोय का सेपरेटली कॉमन ओपनिंग नहीं है एक्सक्रीटरी सिस्टम की और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कोई कॉमन ओपनिंग नहीं है क्लोइका में आके अलग 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 डक्ट के थ्रू खुलेंगे अ मेच्योर फीमेल लेज 2500 टू 3000 थाउजेंड ओवा एट अ टाइम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिस्टम का डायग्रामेटिक का रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है जहाँ पे आपको ओविडक्ट, दिस इज ओवरी विच इज मैंशनड हियर ओवा रिलीज होंगे ओवीडक के थ्रू ये सेपरेटली ओपन हो रहा है क्लोइका के अंदर और यूरेटर भी अलग से ओपन हो रहा है क्लोइका के अंदर एज यू कैन सी सेपरेट ओपनिंग्स ठीक है फर्टिलाइजेशन वुड बी इन वाटर यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विद इन द वाटर होता है डेवलपमेंट में मेटामोरफोस आपको देखने को मिलेगा यानी कि लार्वल स्टेज आपको देखने को मिलेगी लार्वल स्टेज ऑफ फ्रॉग इज नोन एज टेडपॉल टेडपॉल पानी में रहता है अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन करेगा पानी में रहता है तो रेस्पिरेशन का सिस्टम भी यहाँ पे गिल्स के थ्रू होगा ठीक है फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर द मैन काइंड कई जगह तो इनको खाया भी जाता है दे आर कंज्यूम्ड ऑल्सो दे ईट इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप इंसेक्ट को खत्म कर रहा है खत्म करने में हेल्प कर रहा है ओके फ्रॉग्स मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस अब यहाँ पे ये इकोलॉजी से रिलेटेबल फॉर्म में आ गया है क्यों क्योंकि ये एक फूड चेन का पार्ट है तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करेगा इम्पोर्टेंट लिंक की तरह काम करेगा फूड चेन मेंटेन करना फूड वेब इन द इको सिस्टम मेंटेन करना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये हमारे इको सिस्टम में कुछ कंट्रीज में मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग फ्रॉग आर ऑल्सो कंज्यूम्ड एज फूड बाय द मैन कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रॉक के ऊपर सिंपल क्वेश्चन लेके आई फ्रॉक पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द फ्रॉक बरोइंग क्लाइंबिंग रनिंग लीपिंग वॉकिंग लीपिंग एंड बरोइंग आंसर चलो जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्मेट में आ जाओ चैप्टर यहां पे खत्म हो चुका है कुछ तीन चार क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आंसर इज क्लाइंबिंग एंड रनिंग नेक्स्ट व्हाट इज करेक्ट अबाउट द मोस्ट कॉमन स्पीशी ऑफ फ्रॉग इन इंडिया पहला ऑप्शन कलर ऑफ डॉर्सल साइड इज ऑलिव ग्रीन टल कुछ वर्ड यूज किया था कहां पे कौन सा होता है वो देख के चूज करना है अभी आपको मेल फ्रॉग लैक्स वोकल कॉर्ड थर्ड ऑप्शन फोर्थ परफॉर्म्स हाइबरनेशन बट नॉट एस्टिवेशन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है करेक्ट ओके सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन कलर ऑफ डॉर्सल साइड इज ऑलिव ग्रीन बाकी सब इन करेक्ट स्टेटमेंट लिखे हुए हैं फाइव डिजिट्स हाइंड लिम में होते हैं तो रिवर्स लिखा हुआ है मेल फ्रॉग के पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं टर टर की आवाज़ मेल ही निकालता है फीमेल नहीं निकालती है कभी भी और दोनों ही तरह के स्लीप यानी कि समर स्लीप विंटर स्लीप परफॉर्म किए जाते हैं बाय द रैना टिग्रीना विच इज फाउंड इन इंडिया ठीक है नेक्स्ट लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एन एडल्ट फ्रॉग इज लॉन्ग होती है या शॉर्ट होती है और ये कानी वोर है या फिर हर वोर है इस तरह का ऑप्शन आपको यहां पे चूज करना है लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन केस ऑफ अडल्ट फ्रॉग ऑब्वियसली अडल्ट फ्रॉग आंसर इज इट इज शॉर्ट के केस में ही एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ ज्यादा होती है नेक्स्ट क्वेश्चन रेस्पिरेशन इन टैड पोल ऑफ फ्रॉग टेक्स प्लेस बाय लार्वल स्टेज की बात की गई है तो उस हिसाब से आंसर करना है लंग्स गिल्स बकल कैविटी या फिर स्किन टेड पॉल की बात कर रहे हैं बेटा

welcome to allen allen is here to guide you on your special journey whether you're in class 6 to 10th or preparing for exams like neet and jee allen is your expert companion our online programs are designed just for you with excellent teachers study materials and support for both students and parents we use advanced technology to make learning enjoyable have questions no worries Alan assists you with doubts on the app and in live classes too. You can talk to teachers, ask questions, and understand every concept easily. Imagine having your own quizzes to practice any topic you want. We also have a special place to show you all your mistakes so you can practice and avoid them in the exam. And guess what? We'll help you create a study plan. Our experienced teachers will guide you and you can join group sessions to learn how to manage your time better. It'll help you with homework, revision, and catching up on anything you've missed. So, students and parents, are you excited for this amazing journey with Alan?